सलाम अलैकुम एवरीवन, दिस इज योर ट्रेनर नाली खान। अच्छा, आज स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ही कम नजर आ रही है, लेकिन हम क्लास शुरू करते हैं ताकि जो भी हम सिखाना चाहें तो हम कंप्लीट कर सकें। आज की क्लास वर्डप्रेस पे होगी, जैसे मैं सामने भी खुला हुआ वर्डप्रेस। ठीक है, आज की क्लास वर्डप्रेस पे होगी और आज की चीजें हम थोड़ा देखेंगे कि वर्डप्रेस कैसे बनता है, कैसे चीजें हम थोड़ी समझेंगे वर्डप्रेस की। आज एक्स्ट्रा की लास्ट क्लास होगी, एक्स्ट्रा थीम पे हम थोड़ी सी उसकी कस्टमाइजेशन हमने नहीं सीखी थी, होम पेज की कस्टमाइजेशन कैसे करनी है वो हम सीखेंगे। और हमने कल जो लास्ट क्लास में हमने ये बात की थी कि हम चैट बॉट लगा रहे थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं वो चैट लास्ट क्लास में वो नहीं लगा सका। अभी हम लगा के देख लेते हैं कि किस तरह लगाना है चैट बॉट जो है। अगर आपने चैट लगाना है और इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं हम जरा। तो पहले हम सीधे जाएंगे कलेक्ट डॉट चैट पे, वहां पे लिखा है स्टार्ट न्यू, उस पर क्लिक मारेंगे। आपको पहले बता चुका हूँ मैं। उसके बाद डिजाइन, तीन की स्टेज, डिजाइन, स्क्रिप्ट और शेयर। और इंटीग्रेशन में ये नहीं, रिजल्ट्स में ये काम होगा बस। रिस्पॉन्सेस, यहाँ से जो भी रिस्पॉन्स होगा वो आप चेक कर सकेंगे। अच्छा, ये हो गया। अब हम जरा बात कर लेते हैं बिल्ड की। इसमें डिजाइन पे तो हम बता चुके थे कि यहाँ किस तरफ चाहिए हमें, इस तरफ चाहिए, इस तरफ चाहिए, इस तरफ चाहिए। और हम ये भी बात कर चुके थे कि हम एवटार भी चूज कर सकते हैं यहाँ से, लड़की भी चूज कर सकते हैं, लड़का भी चूज कर सकते हैं यहाँ से, फिर कलर भी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैं अगर ये रखता हूँ तो ये कलर भी चेंज हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब फिर हम स्क्रिप्ट पे आते हैं। स्क्रिप्ट में हम जरा क्वेश्चन रखते हैं। सबसे पहले हम बंदे से मांग लेते हैं अपना ईमेल एड्रेस। ठीक है, वॉट इज योर ई मेल एड्रेस पहले मांग लेते हैं, फिर हम फोन नंबर मांगते हैं उससे, फिर हम उससे पूछते हैं एक मल्टी चॉइस क्वेश्चन। हम कहते हैं इन विच ऑप्शन आर इंटरेस्टेड, ये पूछते हैं उससे और उसको आंसर देते हैं रैंक। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं बाय और एक और हम करते हैं सेल। इस तरह ये मैं पहले भी सिखा चुका हूँ ये बनाना। ठीक है, डन कर देते हैं इसको अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, तो ये हमारा एक चैट बॉक्स बन गया। और अब हम करते हैं, ईमेल भी हो गया, एक टेक्स्ट क्वेश्चन, एक हम मैसेज लिख देते हैं। हम लिखते हैं थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग, थैंक यू फॉर। अब इसको आप बहुत अच्छी तरह बना सकते हैं, मतलब आप ये लिख सकते हैं थैंक यू फॉर योर रिप्लाई, आवर एजेंट विल कॉन्टेक्ट यू सून, इस तरह का आप लास्ट मैसेज बना सकते हैं। लेकिन मैंने लिखा है थैंक फॉर कॉन्टेक्ट नंबर, ये हो गया। फिर आप इसको यहाँ पे पब्लिश दबा दीजिएगा, पब्लिश हो गया। फिर यहाँ पे आप आएंगे शेयर के ऑप्शन पे, ये आपको एक कोड दिख रहा है, इसको आप कॉपी करेंगे और ये आपने कहाँ पोस्ट पेस्ट करना है, आपने ये हेडर फुटर कोड मैनेजर आपने इंस्टॉल करना है। ये वाला प्लगइन मैं दिखा भी देता हूँ, ये जो प्लगइन ना हेडर फुटर कोड मैनेजर, ये आप इंस्टॉल करेंगे। और यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे एच एफ सी एम, यहाँ पे जाएंगे एड न्यू पे जाएंगे, यहाँ पे आप स्निपेट नेम लिख देंगे चैट बॉक्स, या कुछ भी कर सकते हैं इसका नाम। ठीक है, चैट बॉक्स, बाकी सब चीजें वैसी रहने दीजिएगा। यहाँ पे कोड पेस्ट कर दीजिएगा, यहाँ पे सेव दबा दीजिएगा और अब देखेंगे आपके उस पे आया है या नहीं। अगर आ गया है वैसे तो यही चीजें होती हैं, नहीं भी आया तो मेरा ख्याल है थोड़ी देर में आ जाएगा। देख लेते हैं अभी हमारे पास आया है नहीं आया। ये देखें आ गया, व्हाट इज योर ईमेल, पहला क्वेश्चन व्हाट इज योर ईमेल। अब मैं लिखता हूँ जीरो सेवन एट द रेट gmail.com, मैं ये लिखता हूँ। फिर वो कहता है व्हाट इज योर फोन नंबर, मैं लिखता हूँ 03115423385, मैं ये लिखता हूँ। मैं कहता हूँ बाय, मैं इंटरेस्टेड हूँ। और अब वो लिखेगा प्लीज टाइप एन आंसर, ये छोड़ें ये गलती से आ गया इसके अंदर। ठीक है, हेलो लिख देता हूँ बस। ठीक है, अब वो लिखेगा थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, ये गलती से आ गया, देखा थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, ये वाला हमने नहीं लिखा था, ये पहले से ही इनबिल्ट था मेरे ख्याल है, वो मटाना भूल गया। अभी आ गया थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस। अब सवाल ये उठता है कि ये चैट जाती किधर है। आप यहाँ पे आएंगे,
और यहाँ पे रिजल्ट्स पे जाएंगे और यहाँ पे रिस्पॉन्सेस पे जाएंगे। ये देखें आ गया ना सारा रिस्पॉन्स, किसने कहा Nazi Khan 607, ईमेल एड्रेस पता लग गया, नंबर पता चल गया, बाय में है इंटरेस्टेड, टाइप आंसर पता लग गया, तो ये आपको पता लग जाएगा। ठीक है, इस तरह तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी अब कि किस तरह आपने करना है। ठीक है, ये मैंने लास्ट क्लास में समझाया था लेकिन मैं इसमें भी समझा रहा हूँ। अच्छा, कलेक्ट डॉट चैट में आप जाएंगे तो आपने पहले साइन इन करना पड़ेगा अपने गूगल से। ठीक है, आप चाहें तो अकाउंट बना सकते हैं, गूगल से भी साइन इन हो जाएगा, उसके बाद आप ये काम कर सकते हैं। ये हो गया, अब दूसरा सवाल उठता है, चलें इसको हटा देते हैं। इसको हम हटाते हैं, उसको डिलीट कर देते हैं 1 मिनट के लिए। यहाँ तक हमारी बात क्लियर हो गई। अब हम आते हैं एक और प्लगइन पे। अगर हमने इसी साइट पे व्हाट्सएप हमने ऐड करना हो तो वो किस तरह ऐड होता है वो हम देख लेते हैं। चाहिए ऐड हुआ हुआ है कोई, रुके 1 सेकंड, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ये देखें अब ये कुछ नहीं आ रहा मेरे पास, डिलीट कर दिया मैंने सारा कुछ। अब हम जाते हैं, हमने चैट बॉक्स एक व्हाट्सएप का ऐड करना है, तो अब ये देखते हैं व्हाट्सएप किस तरह ऐड होता है। हम जाएंगे इधर प्लगइन में जाएंगे, हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर रहा हूँ, आप ऐड न्यू पे क्लिक करिएगा, और एक प्लगइन है चैटी ये नाम का, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, एक्टिवेट करिएगा, इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट करिएगा, फिर ये क्रिएट न्यू विजिट पे चले जाइएगा। 1 सेकेंड, ये लोग जो दिखा रहे हैं, 1 सेकेंड डैशबोर्ड पे चलते हैं। पता नहीं ये वाला प्लगइन था या पता नहीं कौन सा प्लगइन था, मैं 1 मिनट देख लेता हूँ उसको। इसको डिलीट करते हैं, हम नए तरीके से बनाते हैं, क्रिएट विजिट पे जाते हैं जी। अब ये ऑप्शन आ गया, अब ये कह रहा है आपको व्हाट्सएप चाहिए, मैसेंजर चाहिए, क्या चाहिए। ठीक है, आप एक काम करें व्हाट्सएप का भी देखते हैं। आपने व्हाट्सएप पे क्लिक मारा, फोन बटा दिया अभी फिलहाल, अब वो बह रहा है नंबर दे दो फोन का, बढ़ दे देते हैं, नंबर दे दिया हमने इधर। ठीक है, अब व्हाट्सएप का पॉपअप बनाना है तो इसको खोलें, और मैसेज चाहिए आपको तो ये लिखिएगा, हाउ मे आई हेल्प यू, आप कुछ भी कर सकते हैं इसको, व्हाई शुड आई हेल्प यू लिखते हैं हम तरह, या आप लिखेंगे नहीं बेटर नहीं मैं, लेकिन चलें हम इसको जरा चेंज करने के लिए करते हैं। ये हो गया, अब हम यहाँ से जाते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक मारते हैं, यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस, ये कह रहा है ऑप्शन, ये कह रहा है कि ऑप्शन आएगा क्या आपके उसके ऊपर, जब आप वेबसाइट साइट खोलेंगे तो उसमें साइड में व्हाट्सएप के साइड में क्या लिखा आएगा, तो हम लिखते हैं कॉन्टेक्ट नाउ, बस नाउ और नेवर कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया, अब ये कलर भी चेंज कर सकते हैं, हम ज्यादा इस पर डिटेल में नहीं जा रहे, साइज को चेंज कर सकते हैं, मीडियम चाहिए, लार्ज चाहिए, स्मॉल चाहिए, क्या चाहिए। ठीक है, इसको भी चेंज कर सकते हैं, जहाँ तक हो गया, फिर नेक्स्ट में चले जाते हैं, बस को ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है, सेव विजिट पे मारिएगा। और अब हम देखते हैं कि हमारे पास व्हाट्सएप आया है नहीं, ये देखें आ गया नाउ और नेवर, ये हमने क्लिक किया, वाई शुड आई हेल्प यू, वही आ गया है नहीं। अब हम मैसेज करेंगे तो हमारे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आ जाएगा ये। ठीक है, इस तरह हम व्हाट्सएप लगाते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। और फेसबुक मैसेंजर आपको जैसे लगता है, बता भी दूं, लगा के नहीं दिखा रहा मैं, सिर्फ बता देता हूँ कि फेसबुक मैसेंजर लगेगा कहाँ से। ठीक है, फेसबुक मैसेंजर यहाँ से लगेगा, फेसबुक मैसेंजर चैट प्लगइन, इसके लिए आपके पास पेज होना चाहिए। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा नेट से, आपको पता लग जाएगा इसका। ठीक है, इस प्लगइन से लग जाएगा वैसे। ठीक है, मेरे पास कोई पेज नहीं है इसलिए मैं करके नहीं दिखा रहा, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ तक तो क्लियर होगा आप लोगों को, अब हम थोड़ा एक्स्ट्रा थीम पे आते हैं। एक्स्ट्रा थीम पे हमने क्या बात करी थी, हमने अभी तक हमने पेजेस की बात की एक्स्ट्रा थीम पे, लेकिन हमने एक काम नहीं किया, एक सेकंड किसी, अच्छा ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा थीम की, कि हमने एक्स्ट्रा थीम की कस्टमाइजेशन की बात नहीं की। एक्स्ट्रा थीम की कस्टमाइजेशन हम कर लेते हैं, मैं एक पेज का बताऊंगा जो हमने एक्स्ट्रा थीम की कस्टमाइजेशन नहीं की, जिस पेज की, दो पेज की तो हमने सीख ली थी, लेकिन जो होम पेज की कस्टमाइजेशन है वो हमने नहीं सीखी।
इसको जरा हम देख लेते हैं होम पेज नजर कैसे आ रहा है, फिर हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखें, एक स्लाइडर आ रहा है, दो पोस्ट आ रही हैं, ये कैरेसल आ रहा है, फिर पोस्ट आ रही हैं, फिर टैब पोस्ट आ रही है मेरे ख्याल है, और फिर ये विजिट्स आ रहे हैं। अब यहाँ से आप विजिट समझेंगे थोड़ा सा, ठीक है? विजिट आपको नहीं पता होगा अभी तक क्या होते हैं, ठीक है? अब हम जरा इस पेज को इसकी तरह बनाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल जैसे इसने बनाया हुआ है, ठीक है? अब हम जरा अपनी साइट पे चलते हैं, ये हमारी साइट है, ठीक है? अब यहाँ पे हम होम पेज पे जाएंगे और एडिट लेआउट पे क्लिक मारेंगे। अब एडिट लेआउट करना किस तरह है बता देता हूँ आप लोगों को। आप सबसे पहले ये पहली चीज क्या देख रहे हैं इधर, आप लोग पहली चीज देख रहे हैं आप, अल्लाह माफ करे, इसको कहते हैं स्लाइडर, ठीक है? इसको स्लाइडर कहते हैं। अभी हम स्लाइडर ऐड करते हैं इसके अंदर, हमें एक ही चाहिए और फीचर पोस्ट स्लाइडर यही है, हम इस पर क्लिक मारते हैं, हम इस पर सेव एंड एडिट कर लेते हैं और इसको अपडेट कर देते हैं, देखते हैं वो चीज़ आई या नहीं हमारे पास। अगर आई है तो ठीक है, नहीं आई तो बहुत ही बुरी चीज़ है, देख लेते हैं आती है या नहीं। एक सेकंड, मेरा सिस्टम काफी स्लो चल रहा है, बहुत सारी चीजें बुरी हुई इसके ऊपर। अच्छा ये देखें, स्लाइडर तो आ गया, लेकिन एक छोटा सा मसला आ गया है यहाँ पे। मसला वो ये है कि इसका स्लाइडर देखें जरा, पिक्चर का आप टेंशन ना लें, पिक्चर की टेंशन ना लें। ये देखें, ये स्लाइडर है खुद ब खुद चल रहा है इसका, ये देखें खुद ब खुद चल रहा है, और हमारा जो स्लाइडर है वो तो एक ही जगह रुका हुआ है कब से, ठीक है? इसको तो चेंज करना पड़ता है। अगर फोटोज की मैं बात नहीं कर रहा कि फोटो अच्छी नहीं है, देखें खुद करना पड़ता है चेंज इसको, ये खुद चेंज नहीं हो रहा। इसका क्या हाल है? इस पे आप जाएंगे, ये दबाएंगे, एडवांस में जाएंगे, सबसे नीचे चले जाएंगे, इनेबल ऑटो प्ले पे आप यस करेंगे, इसको आप सेकंड बता रहे हैं कितने सेकंड बाद चेंज हो, लेट्स से 2 सेकंड बाद चेंज हो। अब हम सेव एंड एग्जिट करेंगे और अपडेट करेंगे इसको, अपडेट नहीं करेंगे तो हमारा वो सही नहीं होगा। अब हम जाते हैं साइड पे, देखते हैं हमारा स्लाइडर खुद ब खुद चेंज हो रहा है, ये देखें हो रहा है ना चेंज, अभी हम तो कुछ भी नहीं कर रहे इस पर, ये हो गया। अब हम थोड़ा इधर आते हैं, हमने ये चीज़ तो सीख ली, अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हमें दिख रही है दो पोस्ट, तो हम इसको कैसे चलेंगे देख लेते हैं। हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे स्टैंडर्ड सेक्शन पे जाएंगे, और हमें दो चाहिए सेक्शन, एक सेक्शन में पोस्ट आएगी, अगले सेक्शन में पोस्ट आएगी, ठीक है? चलें इसको जरा पोस्ट को कनेक्ट कर लेते हैं। अब ये कैटेगरी पूछ रहा है कि भाई पहले एक हम फर्स्ट कैटेगरी को डाल देते हैं और एक पे सेकंड कैटेगरी डाल देते हैं। सेकंड कैटेगरी, ठीक है, ये डाल देते हैं और यहाँ पे भी अपडेट कर देते हैं हम इसको। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये चीज़ आती है या नहीं। सॉरी, तो कटी गया मुझसे, एक सेकंड रुकिएगा। ये वाला नहीं था, एक सेकंड रुकिएगा। मेरा ख्याल है ये वाला था, कंट्रोल शिफ्ट जी, खुल गया ये सारा। अब हम देखते हैं हमारा दो पोस्ट आई नीचे, ये देखें आ गई हमारी फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी, ये हमारी नीचे आ गई। अब हम थोड़ा और नीचे जाते हैं, देखते हैं और क्या है इसके अंदर। अच्छा ये जो चीज़ है ना, यहाँ तक तो समझ में आ गया हमें। अब ये जो है ये कैरेसल है, ठीक है, इसको भी ऐड कर लेते हैं हम जरा। इसको भी हम ऐड करते हैं, हम ऐड करने के लिए हम फिर से होम पे जाएंगे,
एडिट लेयर, उस पर क्लिक मारेंगे। ये खुलेगा, खुलने के बाद हम फिर से स्टैंडर्ड सेक्शन पे जाएंगे। हमें एक सेक्शन चाहिए, हम इंसर्ट मॉड्यूल पे क्लिक मारेंगे। हमें चाहिए कैरोसेल, पोस्ट कैरोसेल, ये चाहिए हमें। अब इसमें भी हम कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स से सेकंड कैटेगरी, ठीक है, नहीं सेलेक्ट की और हमने अपडेट कर दिया। अभी हम इसको देखते हैं अपनी साइट को कि हमारी साइट पे भी चेंजेस हो रही हैं या नहीं हो रही, साथ बस साथ साइड बाय साइड हम देखते रहते हैं। ये भी चेंज हो गया, पोस्ट कैरेसल भी लग गया। अच्छा इसमें चार नहीं है, इस वजह से ये चेंज नहीं हो रहा। चलें इसको हम जरा ऑल कर देते हैं, एक सेकंड रुकिएगा आप लोग, इसको हम जरा चेंज कर देते हैं, इसको हम ऑल पे ले आते हैं। अब हम एक काम करते हैं कि अपडेट करके देखते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी पोस्ट किस तरह नजर आ रही है। अब हमारे पास ये आ रहा है। अब यहाँ पे भी छोटी सी प्रॉब्लम है कि ये चेंज नहीं हो रहा। ये देखें, ये चेंज हमें करना पड़ रहा है, ये हो नहीं रहा। इसका भी एक ही हल है, जबकि इसमें ये चेंज हो रही है। अगर आप थोड़ी सी और देखेंगे तो ये शायद चेंज होगा। इसको भी हम ऑटो प्ले पे लगा सकते हैं, वैसे ही जैसे हम लगाते हैं। लगेगा किस तरह, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जाएंगे, इस पे क्लिक मारेंगे, वही जो आपने पहले काम किया, एडवांस। एडवांस पे जाके आप लोग उस चीज को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और आप नीचे जाएंगे इसके बाद, और आप यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑप्शन जरूर होना चाहिए, ऑटो प्ले, ये रहा। इसको आप ऑन करेंगे, ठीक है, इसको आप 2 सेकंड पे लगा दें, आप देखिएगा कैसे भागता है ये। आप सेफ एंड एग्जिट करें, अपडेट करें इसको। ये देखिए, अब चेंज होना शुरू हो गया ये, ठीक है। 2 सेकंड बाद चेंज होना शुरू हो गया, यहाँ तक हो गया। अब हम थोड़ा सा इधर आते हैं, अब हम देखते हैं नीचे क्या है। नीचे हमें 3 पोस्ट नजर आ रही हैं, ठीक है, अब इसको भी चेंज कर लेते हैं हम। और इसके लिए हम क्या करेंगे, हम स्टैंडर्ड सेक्शन पे जाएंगे फिर से, और हम ये 3 पोस्ट वाला जो ऑप्शन है ना, ये सेलेक्ट करेंगे। हम इंसर्ट मॉड्यूल पे जाएंगे, हम पोस्ट सेलेक्ट करेंगे, और हम फर्स्ट कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे लेट्स से। फिर हम इधर जाएंगे, हम सेकंड कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे, और हम थर्ड कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये हमारी पोस्ट भी बन गई, यहाँ तक भी हो गया हमसे। अब हम अपडेट करेंगे इसको। अब हम देखते हैं कि हमारा वो हुआ भी है, ये कैरेसल भी आ गया, 3 पोस्ट भी आ गए, ठीक है, ठीक है, ये भी हो गया। अब लास्ट हमने देखना है कि हमने ये किस तरह लगाना है, ये जो चीज है कि ऐसे नजर आए, टैप करके उसको पोस्ट नजर आए, ये हमें किस तरह नजर आएगा। इसके लिए हम जाते हैं इधर, किसी स्टूडेंट को कोई सवाल है तो यहाँ पूछ सकता है। अच्छा ठीक है, तो गलती से माइक खुला रह गया। अच्छा यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे अब हम जाते हैं और नई चीज हम देखते हैं, ठीक है। वो नई चीज क्या है, हम यहाँ पे आते हैं, ऐड सेक्शन पे जाते हैं, स्टैंडर्ड सेक्शन पे, और हम एक ये टेबल, जहाँ को एक ही चाहिए वो, ये सेलेक्ट करते हैं।
यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा आपके सामने, ठीक है? ये ऑप्शन ये होगा टैप पोस्ट का, ये कैसे करेंगे आप? ये हो गया टैप पोस्ट का, ठीक है? अब यहाँ पे आप लेंगे ऐड न्यू टैब पे क्लिक मारेंगे, कैटेगरी ऑल की जगह फर्स्ट कैटेगरी सेलेक्ट करें, ठीक है? और सेव कर दें इसको। फिर आप फिर से जाएं टैब कैटेगरी पे और ऑल की जगह सेकंड कैटेगरी सेलेक्ट करें और सेव कर दें। फिर जाएं आप ऐड न्यू टैब पे और यहाँ पे थर्ड कैटेगरी सेलेक्ट करें, ये हो गया सेव एंड एग्जिट। अपडेट करें इसको, ये हो गया। अब हम इसको देखते हैं कि कैसा होगा। ये हमारा हो गया, ये देखें सेकंड कैटेगरी भी आ गया, थर्ड कैटेगरी भी आ गया। अगर ज्यादा होती तो हमारे पास ज्यादा भी आ जाता, ठीक है? ये हो गया। अब हमने यहाँ तक तो सीख लिया कि ऊपर से नीचे बनेगा किस तरह। यही एग्जैक्ट सेम बनाया हमसे, अगर और से देखें आप एग्जैक्ट सेम बनाया। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आ रही है रिसेंट पोस्ट, ठीक है? रिसेंट पोस्ट यहाँ पे आ रहा है फॉलो अस, ये चीज क्या है? इसको कहते हैं विजिट्स, ठीक है? इसको विजिट्स कहते हैं, ये नीचे भी आ रहे हैं, ये भी विजिट्स ही, ठीक है? अब हम जरा सीखते हैं ये लगाना किस तरह है, ठीक है? इसको लगाने की टेक्निक ये है कि आप जो हैं वो पहले ही पहले आप एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है क्लासिक विजिट, वो आप पहले आप इंस्टॉल करेंगे, ये वाला क्लासिक विजिट्स ये आप इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करके एक्टिवेट करेंगे, ठीक है? पहला काम तो आप ये करेंगे। फिर हम इधर आएंगे अपेयरेंस पे और यहाँ पे आएंगे विजिट्स के अंदर, यहाँ पे लिखा है मेन साइड बार फुटर, ये सारी चीजें। अब हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या हुआ हुआ है। अगर इसमें आते हैं तो हमें सबसे पहले दिखता है सर्च टैब, जो सर्च कर सकते हैं इससे हम, तो हमने पहले ये डालना है इसके अंदर। सर्च टैब कहाँ होगा? सर्च टैब अगर आप और से देखें तो आपको यहाँ कहीं पे रखें, सर्च लिखा हुआ ना, इसको आप पकड़ के ऊपर ले जाएं, अगर इसको ऊपर ले जाएं और मेन साइड बार पे फेंक दें, यहाँ पे डन दबा दें, हो गया पहला अपडेट हो गया हमारा, ठीक है? अब हम दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास? रिसेंट पोस्ट का है, ठीक है? इसको भी देख लेते हैं ये कहाँ है रिसेंट पोस्ट। ये रहा एक्स्ट्रा रिसेंट पोस्ट, ये रहा, इसको उठा के इधर फेंक देंगे सर्च से नीचे, ठीक है? इसको भी बस छोड़ देगा, डन कर दीजिएगा। एक्स्ट्रा रिसेंट पोस्ट भी हो गई, ठीक है? फिर ये लिखा हुआ फॉलो अस, इसको भी हम इधर ऐड कर देते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आप ख्याल है ये वाला है, अभी हम इसको चेक कर लेते हैं एक नज़र, इसको हम जरा चेक करते हैं। फेसबुक चाहिए हमें तो हम इसकी जगह ये लगा देंगे, सॉरी ये लगा देंगे। जो जो चाहिए हमें उसके आगे हम यूआरएल के नीचे हैश लगा देंगे, जो जो चाहिए हमें, ठीक है? यूट्यूब चाहिए लेट से, वैसे मुझे नहीं पता यूट्यूब उसके अंदर है, वीमियो नहीं चाहिए हमें, नहीं लगाएंगे। ट्विटर लेट से चाहिए हमें, हमने ये लगा दिया, हैश लगा दिया। पिंटरेस्ट चाहिए हमें, हमने हैश लगा दिया। इंस्टाग्राम चाहिए हमें, हमने हैश लगा दिया और हमने सेव कर दिया इसको, ठीक है? डन हो गया, सेव भी हो गया। अभी हम देखते हैं कि हमारी साइट पर कोई असर भी पड़ रहा है इससे या कुछ भी नहीं हो रहा। ये देखें सर्च भी आ गया, रिसेंट पोस्ट भी आ गया, फॉलो अस के बटन भी आ गए, तीन तो काम हो गए। अब हम आते हैं अगले काम पे, लिखा हुआ है अवर ऑथर्स, ठीक है? यहाँ पे दो ऑथर्स हैं, हम हमारा एक ही है तो हमें एक का ही दिखाएगा ये, यहाँ पे इसको फेंक देते हैं, इसको डन मारते हैं, ठीक है? ये भी हो गया। अच्छा एक सेकंड वेट करिएगा आप लोग, मैं आता हूँ, एक सेकंड वेट करिएगा बस।
तो हम ऑथर्स पे थे, ऑथर्स भी हमसे लग गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लास्ट चीज देखेंगे इसके अंदर, और क्या चीज है इसके अंदर वो हम देखेंगे। ऑथर्स भी हो गया हमारे से, रिसेंट रिव्यूज ये कैसे आएगा, ये लिखा हुआ एक्स्ट्रा रिसेंट रिव्यू, इसको उठा के इधर फेंक देते हैं और उसको डन कर देते हैं, ये भी हो गया। अब क्या रह गया हमारे पास, अब हमारे पास कुछ भी नहीं रह गया, रिसेंट वीडियो रह गई, ये भी हम देख लेते हैं, अगर हमने कोई वीडियो लगाई होगी तब आएगा वरना नहीं आएगा, इसको भी देख लेते हैं, अगर लगता है लगा देते हैं, ये भी हो गया रिसेंट वीडियोस। ठीक है, अब क्या रह गया, लॉगिन, बस ये आखिरी चीज रह गई हमसे। एक सेकंड दीजिएगा मुझे, हाँ लॉगिन, लॉगिन किधर है ये ढूंढते हैं हम, एक्स्ट्रा लॉगिन कहीं मिलेगा हमें, इधर तो नहीं है वैसे, एक सेकंड देखते हैं, और से देखते हैं, कहीं ना कहीं ये रहा एक्स्ट्रा लॉगिन, ये मिल गया हमें, हमने ये इधर ऐड कर दिया, हमने ये भी ऐड कर दिया, ये हो गया हमारा एक्स्ट्रा लॉगिन। ठीक है, अब छोटी सी यहाँ प्रॉब्लम आएगी, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर जब हम ये पेज विजिट करते हैं तो हमारे सामने सब कुछ आ जाता है, फॉलोअर्स भी आ गया, देखें ऑथर्स भी आ गए, रिसेंट वीडियोस भी आ गई, जॉन सीना की वीडियो भी आ गई, लेकिन लॉगिन नहीं आया हमारे पास, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। ये इसकी हल इसका ये है कि जब आप लॉग आउट करके करेंगे ना तब आपको नजर आएगा, लॉगिन हुए हुए बंदे को लॉगिन नजर नहीं आएगा, हो लग तो चुका है साइट के ऊपर, बस आपने इसको लॉग आउट करना है, लॉग आउट करने के बाद आपको ये नजर आएगा। ठीक है, इतना था काम है, अब हम थोड़ा सा और देखते हैं, और तो कुछ नहीं रह गया, हाँ एक चीज रह गई ना, ये नीचे के आवर स्पॉन्सर रह गया, रिसेंट पोस्ट रह गया, ये चीज हमसे रह गई। ठीक है, ये भी लगा लेते हैं, ये किस तरह, ये कितना मुश्किल है, देख लेते हैं, यहाँ पे हम जाते हैं और अपेयरेंस में ही हमें विजिट मिलेंगे, एक सेकंड दीजिएगा, ये बहुत स्लो हो रहा है मेरा कंप्यूटर, चल भी नहीं रहा यार, हाँ ये रहा। ठीक है, विजिट्स में हम आते हैं, अब यहाँ पे एक दो ऑप्शन दिया हमें, प्रोजेक्ट साइड बार, फुटर साइड लेफ्ट, फुटर मिडिल और फुटर राइट, अब यहाँ पे आपको इन तीनों से काम है, लेफ्ट में चीज क्या है वो देख लेते हैं जरा, हम लेफ्ट में हमें चार पिक्चर दिखी हुई है और आवर स्पॉन्सर लिखा हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि लेफ्ट वाले पे जाएंगे और लेफ्ट वाले पे हम गैलरी का लगा देंगे, टाइटल में लिखेंगे आवर स्पॉन्सर, ठीक है, आप जरा ऐड इमेज कर देंगे, हम जरा इमेज जरा ऐड कर लेते हैं, एक ये इमेज ऐड कर लेते हैं, एक ये इमेज ऐड कर लेते हैं, ये इमेज ऐड कर लेते हैं, ये इमेज ऐड कर लेते हैं, ये हो गया, यहाँ पे कॉलम हमें दो मिल रहे हैं तो दो कर लेते हैं, ठीक है इंसर्ट कर लेते हैं इसको, ये हो गया हमसे ऐड। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारी साइट पे कैसा लग रहा है, थोड़ा सा फर्क आएगा मेरा ख्याल है, लेकिन तकरीबन तरीका ही लगाने का, ये तो आए, ये कैसे हो गया, एक सेकंड रुकिएगा, इसको जरा फिर से हम जरा अपडेट करते हैं, एक सेकंड, इसको सेव तो किया ही नहीं मैंने, हाँ ठीक है, अब देखते हैं इसको क्या आया है या नहीं आया, ये देखिए आ गया ना आवर स्पॉन्सर, थोड़ा सा फर्क है पिक्चर्स के अंदर, ये बेसिकली कस्टमाइज करके होगा, ठीक है ये भी हो जाएगा, इतना कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, ये हो गया, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मैं छुड़वा रहा हूँ ओवर प्रोडक्ट, इसकी जगह हम कुछ और लगाते हैं, क्योंकि ये वो कॉमर्स का प्लगइन है, ये वो कॉमर्स से होगा, ठीक है जरा हम इसकी जगह कुछ ना कुछ लगा ही देते हैं, हम एक काम करते हैं कैलेंडर लगा देते हैं, मिडिल में कैलेंडर लगा लेते हैं, ये डन हो गया। अच्छा अब हम देखते हैं राइट पे क्या है,
राइट पे रिसेंट पोस्ट है। रिसेंट पोस्ट जैसे आपने पहले लगाया था वैसे ही अभी यहाँ पे भी वही होगा। रिसेंट पोस्ट ये सेलेक्ट करेंगे और ये सेलेक्ट हो जाएगा, बस ये करेंगे, डन करेंगे इसको और ये डन हो गया। अब जरा हम देखते हैं हमारी साइट कैसी लग रही है। ये देखें जरा, ठीक है, कैलेंडर भी आ गया, रिसेंट पोस्ट भी आ गई, ठीक है। ये बेसिकली हमने तकरीबन बना दिया, हमने जो हमें होम पेज की कस्टमाइजेशन थी वो आज हमने सीख ली, ठीक है, इतना कोई मुश्किल नहीं थी इसमें। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई सवाल? कोई स्टूडेंट जिसका यहाँ तक कोई सवाल हो, जिसको नहीं समझ आया वही चीज? अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं, चलें, हो सकता है आप लोगों को कोई सवाल ना हो। अब हम बात कर लेते हैं लैंडिंग पेजेस की, ठीक है। लैंडिंग पेज होता क्या है? लैंडिंग पेज कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि अगर आपने एक यूट्यूब पे ऐड देखा और फिर एक लिंक पे आपने क्लिक किया और लिंक पे आप क्लिक करके कहीं लैंड हो गए, उसको कहते हैं लैंडिंग पेज। वो किस लिए किया जाता है? ताकि सेल ड्राइव हो सके, ठीक है। अब तीन चार पांच तरह के लैंडिंग पेज हैं। पहला है लीड जनरेशन लैंडिंग पेज, दूसरा है, जी, सी स्टूडेंट का माइक खुला, कोई बोल। अच्छा ठीक है, लीड जनरेशन लैंडिंग पेज एक होगा, एक स्क्वीज पेज होगा, एक ऑप्ट इन पेज होगा, एक कैप्चर पेज होगा, एक सेल्स पेज होगा। ये पांच तरह के लैंडिंग पेज होते हैं, ठीक है। पहले हम बात करते हैं लीड जनरेशन लैंडिंग पेज। लीड जनरेशन लैंडिंग पेज बड़े होते हैं, इनका फॉर्म भी बड़ा होता है, ठीक है। और ये वाला जो लीड जनरेशन लैंडिंग पेज होते हैं, इसके अंदर ये चीज होती है, इसको आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, इतना बड़ा होता है, देखिए बड़ा सा एक फॉर्म बना हुआ है। ये लीड जनरेशन लैंडिंग पेज है, अगर आप और से देखें, ये एक लीड जनरेशन लैंडिंग पेज है, देखें कितनी सारी फील्ड है इसके अंदर। तो ये एक लीड जनरेशन लैंडिंग पेज की एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर दूसरी पेज पे आते हैं हम, उसको कहते हैं स्क्वीज पेज। स्क्वीज पेज क्या होता है? उसमें होता है वो लैंडिंग पेज ही है, लेकिन उसमें सिर्फ दो फील्ड होती है मैक्सिमम, मिनिमम वन फील्ड होती है, ठीक है, मैक्सिमम दो फील्ड और मिनिमम वन फील्ड। तो फील्ड्स का ऑप्शन ऑप्शन फर्क होता है उसके अंदर। इसके अंदर जैसे पांच छह फील्ड दिख रही है हमें लीडिंग लीड जनरेशन है, उसके अंदर हमें सिर्फ एक या दो दिखेंगे, बस ये फर्क होता है। ऑप्ट इन पेज, ऑप्ट इन फॉर्म जो ऑप्ट इन पेज होता है, वो बेसिकली जो आप स्क्वीज पेज से मिलता जुलता है, जो आप स्क्वीज पेज में जो चीज, जो आप वो चीजें लेते हो ना, उसको कहते हैं ऑप्ट इन फॉर्म। जैसे आप स्क्वीज पेज में आप नेम या ईमेल एड्रेस लेते हैं किसी बंदे से, उसको कहते हैं ऑप्ट इन फॉर्म, ठीक है। तो वो एक तरह से स्क्वीज पेज और ऑप्ट इन फॉर्म एक ही चीज है, ठीक है। आई होप यहाँ समझ में आ रहा हो। अब बात करते हैं कैप्चर पेज की। कैप्चर पेज क्या होता है? वो सिमिलर होता है लैंडिंग पेज की जैसा, और वो कभी कभार स्क्वीज पेज जैसा भी हो सकता है। वो एक बेसिकली दोनों तरफ से हो सकता है, वो या तो लैंडिंग पेज, लीड जनरेशन लैंडिंग पेज होगा, या स्क्वीज पेज होगा, कैप्चर पेज जो है, ये तकरीबन दोनों एक जैसे ही हैं, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है सेल्स पेज। सेल्स पेज बेसिकली ये होता है कि आप, एक सेकंड, किसी की सुन की चैट आएगी, मैं देख लेता हूँ। सर पेजेस कंफ्यूज कर रहे हैं, क्लियर करें। अच्छा देखें, पहला है लीड जनरेशन लैंडिंग पेज, उसमें इतनी ज्यादा फील्ड होती है, अगर आप गौर से देखें इस पेज को, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ चीजें नजर आ रही हैं आपको। तो ये जो इतना बड़ा फॉर्म होता है, इसको कहते हैं लीड जनरेशन लैंडिंग पेज, ठीक है। अगर ये आठ फील्ड की जगह हटा के दो फील्ड आ जाए, तो उसको हम कहते हैं स्क्वीज पेज। फिर हम आते हैं ऑप्ट इन फॉर्म, जो दो फील्ड लिखी हुई है ना, दो फील्ड मांग रहे हैं आप स्क्वीज पेज में, उसको कहते हैं ऑप्ट इन फॉर्म, ठीक है। तो ऑप्ट इन फॉर्म भी वही चीज होती है जो स्क्वीज पेज होता है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम आते हैं कैप्चर पेज पे। कैप्चर पेज लीड जनरेशन पेज भी हो सकता है और स्क्वीज पेज भी हो सकता है, ये दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है, ठीक है। कैप्चर पेज में आप पांच चीजें भी देख सकते हैं, पांच फील्ड भी देख सकते हैं और दो फील्ड भी देख सकते हैं। यहाँ तक स्टूडेंट समझ में आ गया आप लोगों को या नहीं? फिर मैं सेल्स पेज की बात कर लेता हूँ। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को या नहीं? जी सर, क्लियर है, चलें। अब हम बात कर लेते हैं सेल्स पेज की। सेल्स पेज में कोई इंफॉर्मेशन नहीं ली जाती, कोई नेम नंबर कुछ नहीं लिया जाता, वो सिर्फ ड्राइव किया जाता है कि सेल्स हो, ठीक है। वो एक ऐसा पेज बना दिया जाता है, मैं दिखा भी दूँ, कि वो सिर्फ सेल्स के लिए,
वो सिर्फ सेल्स के लिए होता है। अगर आप गौर से देखें इसमें से कौन सा बेटर सेल्स पेज है, ये देखें। अगर आप गौर से देखें ये एक बेसिकली सेल्स पेज है, इसमें कोई चीज मांगी नहीं जा रही, बस चीज बताया सो डिलीशियसली इजी, और उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बेसिक सेल्स पेज है। ये 5 तरह के फॉर्म होते हैं लीड जनरेशन फॉर्म, जो मैंने आपको आज बताया। ठीक है, यहां तक किसी स्टूडेंट को भी सवाल? यहां तक अभी हम खत्म करते हैं, बस यहीं तक हम रखते हैं क्लास को। ठीक है, इंशाल्लाह आपसे जी, किसी के स्टूडेंट का सवाल है तो पूछ सकता नो सर, कोई सवाल नहीं। है। अच्छा ठीक है, आज की क्लास यहीं पर हम खत्म करते हैं। ठीक है सर, एसईओ की क्लास अब से आएंगी रिपीटेडली। ठीक है, एसईओ की रिपीटेडली क्लास होंगी। वर्डप्रेस को अभी हम थोड़े से साइड में रखेंगे और हम सिर्फ एसईओ की क्लास करेंगे। ठीक है, ये कुछ टाइम तक हमारा ऐसे चलेगा। तो एसईओ की क्लास अब बहुत आने वाली है। ठीक है, आप लोगों को बड़ा मजा आएगा एसईओ की क्लास में। ठीक है, तो एसईओ की क्लास में एक एक चीज करके दिखाऊंगा। कल कल होगी क्लास? जी, कल होगी सर, बिल्कुल कल एसईओ की क्लास होगी हमारी। सर लास्ट वीक नहीं थे कोई क्लास? जी, लास्ट वीक कोई क्लास नहीं थी। लास्ट वीक मैंने पहले बता दिया था कोई क्लास नहीं होगी। अच्छा, अब आप लोग सारे लोग सारी वीडियोस देख लें मेरी जितनी भी थी। ठीक है, क्योंकि अब मैं हटाने वाला हूँ वीडियो, तो आप जल्दी से देख लें उस सारी वीडियो को। ठीक है, अच्छा ठीक हो गया। चलें बस हम यहीं तक खत्म करते हैं इस क्लास को। हम इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, और अपना ख्याल रखिएगा सर। कब तक करेंगे रिमूव? इंशाल्लाह इस वीकेंड तक कर दूंगा। इस वीकेंड मैंने पहले भी कर दी थी, कुछ स्टूडेंट कह रहे थे उन्होंने नहीं देखी वीडियो, तो हमने फिर से लगा दी थी। तो इस वीकेंड में हम रिमूव कर देंगे, तो काइंडली इस हफ्ते से देख लें आप लोग सारी वीडियो। जी थैंक यू। चलें ठीक है, बस हम यही खत्म कर दें क्लास को। मुझे दीजिए इसकी इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज।